अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन ब्राउज़र ढूंढकर लाया हूं मैं, जिसमें आपको एक ही ब्राउज़र में बहुत से फीचर्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, ब्राउज़र में फालतू के एड्स बिल्कुल भी नहीं आते। इसमें एड ब्लॉकर ब्राउज़र का अपना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। इसके अलावा इस ब्राउज़र में अपना VPN भी है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, और स्पीड भी उसकी अच्छी है। तो चलें बिना देरी किए हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर आ गए, प्ले स्टोर पर आपने लिखना है अलोहा, ALOHA, अलोहा, ठीक है। अलोहा लिख के सर्च कर देंगे, ब्राउज़र आ जाएगा। ये देखिए अलोहा ब्राउज़र आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ठीक है, ये ब्राउज़र ओपन हो गया। तो इसके बाद आपने करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके सेटिंग में आना, नीचे 3 डॉट दिए हुए, इसमें सेटिंग पे आएंगे, नीचे सबसे कोने में सेटिंग है। सेटिंग पे आने के बाद इसमें ये देखें, ये ऑप्शन है VPN, एड ब्लॉकर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको VPN दिखा देता हूँ कि VPN कैसे चलता है इस पर, वो भी लाइफ टाइम के लिए। VPN में आपने क्लिक किया, ठीक है, ये खुला। आपने कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा सिर्फ कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट टू VPN। ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया है, और ये डिसकनेक्ट भी नहीं होगा जब तक आप खुद इसको डिसकनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद आप कोई भी साइट खोल सकते हैं, मैं जैसे खोल लेता हूँ USA ईमेल, ठीक है। तो VPN इसका बेहतरीन है, स्पीड भी अच्छी है उसकी, और कोई सी भी साइट इसमें खुल जाएगी। आप कोई सी भी साइट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है मैं आपको नॉर्मली साइट दिखा रहा हूँ, आप इसके अलावा जो चाहें वो साइट खोल सकते हैं VPN के ज़रिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से VPN जो ऐप होते हैं उसकी स्पीड सही नहीं होती है, या तो वो एक एक घंटे बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस जो ब्राउज़र का VPN है वो कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। स्पीड भी बिल्कुल बेस्ट देगा आपको ब्राउज़र में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से 3 डॉट पे, फिर सेटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। आपको VPN चेक करवा दिया मैंने, अब मैं आपको एड ब्लॉकर चेक करवा देता हूँ। एड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो इधर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है, ठीक है। 3 ऑप्शन तो पहले ही आपके ऑन होंगे, 4th ऑप्शन जो है वो आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बैक कर लेते हैं इसको, फिर बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका, मैं एक मूवी साइट ले लेता हूँ जिसमें बहुत सारे ऐड खुलते हैं, एक भी क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐड खुल जाते हैं। मैं वो साइट ले लेता हूँ, ठीक है, मूवी फ्लिक्स नाम है, ये साइट भी अच्छी है, आप इसमें बहुत सी मूवी डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली वाली साइट है, ठीक है, ये साइट है मूवी की। अब इसमें मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा या कोई भी साइट खोलूँगा तो इसमें आपको ऐड नहीं मिलेगा, मतलब अलग से जो पेज खुल जाते हैं ऐड के वो नहीं खुलेंगे। आप ये साइट कंप्यूटर में खोल सकते हैं बिना VPN के, खोल के चेक कर लीजिएगा इसमें कितने ऐड खुलते हैं। हर एक क्लिक पे 2-3 ऐड खुल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा, एक भी ऐड इसमें नहीं खुलेगा, सही है। तो इसका एड ब्लॉकर जो है वो अच्छा है काफ़ी, देखिए कहीं भी करूँगा मैं नहीं खुलेगा, नेटफ्लिक्स पर क्लिक कर दूँगा नहीं खुलेगा, सही है। तो ये ब्राउज़र बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसमें ऐड नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। इसके अलावा आप अगर चाहें, मतलब कोई भी अगर बहुत सी वीडियो होती है ना गूगल पे, आप अगर वीडियो देखते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें वो
वीडियो डाउनलोड भी हो जाएगी, आपको अलग से डाउनलोड करने का ज़रूरत अलग से डाउनलोडर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे वीडियो होते हैं जो डाउनलोड नहीं होते मोबाइल में, आप डाउनलोडर कर भी लेते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होते, वो डाउनलोडर सही नहीं होते। तो इसमें ब्राउज़र का अपना ही डाउनलोडर है, जो भी आप इसमें वीडियो प्ले करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।